आप सबको भी शुभ। ये सुरमणि के डर से न जाने और क्या क्या करना पड़ेगा। आप लोग हमें यहाँ अचानक देख के चौंक गए होंगे ना। वो मैंने आप लोगों के लिए देसी घी की मिठाई बनाई है अपने हाथों से। आप लोग समझी है, खाली हाथ थोड़ी ना आ सकते थे कि बोलो। अच्छा तो ये घी किससे बनाया? बकरी के दूध से? अरे वाह, वादा करके मुकर गए और ये दो आने की फल और मिठाई लाए। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और तुम वहां क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर अपना सामान बांधो। अब सामान बांधो मतलब? मतलब क्या? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो समझ में नहीं आया? देखो मतलब साफ है, जब तक 5 बकरियां नहीं तब तक इनकी बेटी इस घर में नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो आपकी घर की बहू है। हाँ बहू है, बताइए ना बहू है तो क्या करूं? नहीं, वो जो खूंटे हमने मंगवाए हैं बकरियां बांधने के लिए, क्या उसमें बांध के रखूं इसे? क्या देख क्या रही हो? इसका सामान बंधवाओ और भेजो मायके इन सबके साथ वापस। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। लग रहा है अपने बगीचे में बैठी है तू। दिख रहा है ना तुझे कितना अच्छा है मेरा घर। कुछ दिखाना है तुझे माँ? ये देख मेरी अलमारी। ये देख मेरे नए नए कपड़े और ये गहने भी हैं इसमें। बहुत सुंदर है ना माँ? मेरे काका सस्सुर ने दिए ये बारी बारी गहने। और पता है तुझे माँ, मेरे ससुराल में नहाने नदी पर नहीं जाना पड़ता, हमारा अपना गुसलखाना है। दरवाजे वाला तुझे दिखाऊंगी मैं। सब कितना सुंदर है ना यहाँ माँ। माँ आप यहाँ, क्या बात है, कुछ चाहिए? जमाई बाबू, वंदिता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसकी आदत की वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष है सिर्फ मेरा। माँ आप क्यों माफी मांग रही हैं? बंधुता के साथ जो हो रहा है वो बस एक बीमारी है और उसका इलाज भी जरूर होगा। और अब तो आप भी आ गई है ना, यहाँ बंधुता के साथ रहेंगी और मेरी मदद भी करेंगी ना, समझने में कि क्या हो रहा है बंधुता के साथ, क्यों हो रहा है, मतलब
शायद कुछ खाने से या ज्यादा पानी पीने से या गलत समय पर पानी पीने से या शायद ऐसा कुछ जो मैं नहीं जानता, इसीलिए नहीं समझ पा रहा है ना माँ। कितनी चिंता है जमाई बाबू को बोंदिता की, कितनी कोशिश कर रहे हैं बोंदिता को ठीक करने के लिए। अब दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो एकादशी का इंतजार करो, हारने दो अनिरुद्ध को चुनौती, या दूसरा रास्ता एकादशी से पहले ही ले जाओ बोंदिता को। जमाई बाबू आपके हाथ को क्या हुआ, कैसे लगी है चोट? छोटी सी दुर्घटना समझ लीजिए इसे, पर बोंदिता ने मेरे जख्म को भर दिया हल्दी डालकर। उसने कहा भी कि माँ ने सिखाया है। मेरी माँ कहती है कि बहुत गुण होते हैं हल्दी में, इसे लगा लो चोट पे तो चोट तो क्या, बड़ा बड़ा घाव भी ठीक हो जाता है। बहुत समझदार है बोंदिता। तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रही है माँ, बताना मैं क्या मांगू? नोबो बुरश के तोहफे में पति बाबू से, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तू बताना माँ। वचन लिया है तो निभाना तो होगा ही, अनिरुद्ध को किसी भी तरह समझाओ, एकादशी के पहले बहू का तुम्हारे साथ यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। बोंदिता को यहाँ से ले जाना सही नहीं होगा माँ, भले ही आप इसे मेरी जिद समझें, पर बोंदिता यहाँ से नहीं जाएगी, ये बात पक्की है। अनिरुद्ध की जिद के आगे बोंदिता यहाँ रुक गई, तो क्या उसे रोज ताने सुनने नहीं मिलेंगे? क्या पता इस घर के बड़े ले आए दूसरी बहू, जमींदारों के परिवार में दूसरा विवाह करना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो थोड़े दिन क्या दूर हुई तो भूल गई है क्या सब कुछ? भूल गई है हम एक दूसरे को देखे बिना भी जान सकते हैं कि खुश है या रो रहे हैं? बताना माँ क्यों रो रही है तू? तो खुश नहीं है यहाँ आकर? मुझसे मिलकर भी खुश नहीं है तू? आप माँ है, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। पर अब बोंदिता के जीवन में जो कुछ होगा, अच्छा या बुरा, सही या गलत, उसका निर्णय सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। क्योंकि आपने ये सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी जिस दिन मैंने बोंदिता से विवाह किया माँ। आपने मेरे हाथ में सौंपी थी ना बोंदिता के सुख दुख की सारी जिम्मेदारी। बोंदिता को मेरी जरूरत थी, पर अब नहीं, अब आप हो उसके साथ एक दीवार की तरह, एक छत की तरह, उस पे आने वाली हर मुसीबत को आपने अपने ऊपर ले लिया है। अब आप हो उसके साथ तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जमाई बाबू अब उसे उसके माँ के नहीं बल्कि आपकी, आपके साथ की जरूरत है, आपके हाथ की जरूरत है, जिसे थाम कर वो जीवन में आगे बढ़ पाए। तो अब बोंदिता मेरी पत्नी है,
उसके जीवन में जो कुछ होगा उसका निर्णय सिर्फ मेरा होगा।